हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। नमस्कार भैया, ये जो 3 चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी, मैंने अपने भाषणों में कहा था कि ये मेन लड़ाई आज हिंदुस्तान में, एक तरफ गरीब जनता, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, और दूसरी तरफ 15-20 सबसे बड़े उद्योगपति। मोदी जी ने पिछले 4 साल 3.5 लाख करोड़ रुपए भाइयों और बहनों आपका पैसा लेकर 15-20 लोगों के जेब में डाला। ये जो चुनाव में जीत हुई है, ये हिंदुस्तान की गरीब जनता की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की। मोदी जी 2 हिंदुस्तान बनाते हैं, एक हिंदुस्तान 15-20 लोगों का, कर्जा माफी का, प्राइवेट हवाई जहाज का, और दूसरा हिंदुस्तान गरीब जनता का, छोटे दुकानदारों का, मजदूरों का, किसानों का। हमने वायदा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ होने का काम शुरू हो जाएगा। 2 स्टेट्स में, मैं खुशी से कह रहा हूं, 2 स्टेट्स में 6 घंटे नहीं लगे और तीसरे स्टेट में होने वाला है। मोदी जी 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाई। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता था, किसानों से कहना चाहता हूं, देखिए ये देश आपका है, ये देश किसी 15 उद्योगपतियों का नहीं है, और आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप दिन भर काम करते हो, पसीना देते हो, खून देते हो, देश को भोजन देते हो, और आपकी आवाज नहीं पहुंचाई जाती। हम आपकी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमने 3 स्टेट्स में कर दिया है, और आप याद रखिए नरेंद्र मोदी जी को पर दबाव डाल के हम करवाएंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया, उसमें से अनिल अंबानी जी हैं, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उन पर, फिर से दोहराता हूं, 45,000 करोड़ रुपए, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबका इसमें शायद कर्जा माफ हो सकता है। एक व्यक्ति को आपने राफेल मामले में चोरी करके पैसा दिया है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जेपीसी होगी, पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा होगी। आपने हमें कहा था कि प्यार से आप चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर आप दौड़ क्यों रहे, भाग क्यों रहे? आप आइए राफेल के बारे में बात कीजिए, आप देश को बताइए कि आपने कर्जा माफ क्यों नहीं किया, और आप देश को बताइए कब आप करने जा रहे हैं। बस ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, आपके सवाल।